हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे एंड फाइन होंगे। तो हम लोग एकदम बढ़िया से हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के लगभग बज रहे हैं, 7 या 7:30 के बीच का टाइम हो रहा है। और वैसे तो बाहर शहरों में ना इस टाइम को शाम बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पहाड़ों में ना इस टाइम को रात ही बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे 7 और 8 के बीच में खाना वगैरह खा के सब लोग अपने अपने बिस्तरों में घुस जाते हैं। और सोने का तो सबका अलग अलग टाइम होता है, कभी कोई लेट सोता है या जल्दी, कोई कई लोग जल्दी भी सो जाते हैं। और तो दोस्तों अभी हम बाहर यहाँ पे चूल्हे पे आग सेक रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे आग जला रखी है हमने, और पतिदेव लगे हुए हैं। अपने जो भी वीडियो डालते हैं तो उसमें चेक करते रहते हैं, कमेंट वगैरह पढ़ते रहते हैं। हालांकि अभी हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे किसी को भी, बहुत दिन हो गए रिप्लाई। कमेंट सबके पढ़ते हैं सबके, और कई बार क्या होता है मैं ब्लॉग में बता भी देती हूँ, जो कुछ कमेंट मुझे ऐसा लगता है कि उनके जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो मैं ब्लॉग में भी बता देती हूँ। तो फिलहाल तो जो है ना यहाँ पे आग सेकी जा रही है, क्योंकि आजकल ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है और आग का ही सहारा है। हैं भाई साहब, तभी ठंड में भाग के आए अभी ना, पाँव वाँव ऐसे हो रहे तो बिल्कुल ठंडे और बिल्कुल गर्म हो गए। तो हम क्या करते हैं इस टाइम पे ना यहाँ पे आग भी सेकते हैं और कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो दोस्तों आज भी शाम के टाइम पे हम यहाँ पे बनाएंगे आज गाजर का हलवा, और मम्मी और गुड्डी को भी खिलाएंगे, क्योंकि गाजर का हलवा मम्मी और गुड्डी ना कभी भी घर पे नहीं बनाते हैं, तो जब भी बनाया तो हम ही लोगों ने बनाया है ना, क्योंकि उसके लिए मम्मी वैसे भी नहीं बाहर की नहीं खाती, बाहर की चीज़ें नहीं खाती हम। अब जैसे मार्केट से भी, मार्केट में भी मिल जाता है तो, लेकिन मम्मी ना बाहर की चीज़ें नहीं खाती है। तो बाहर की चीज़ से मुझे याद आया, अभी हमने न्यू ईयर का केक कट किया था और हमने इसमें बोला था कि मम्मी जी नहीं खाती है बाहर का, मतलब जैसे इसमें अंडे वगैरह डले होते हैं केक में तो नॉनवेज नहीं खाती है, तो इसलिए मम्मी जी नहीं खाएंगी केक। तो उसमें कमेंट आया था अगर मम्मी जी केक नहीं खाती तो आप गुलाब जामुन ला सकते हो, किशन जी बहुत ज़्यादा कंजूस है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पतिदेव बहुत ज़्यादा खर्चीले हैं, कंजूस तो नहीं है पर खर्चीले बहुत ज़्यादा हैं, और मम्मी को गुलाब जामुन भी अगर हम लेके आते तो मम्मी नहीं खाती, बाहर की मिठाई भी मतलब मम्मी नहीं खाती है। तो मतलब जो लिक्विड चीज़ें होती है ना वो नहीं खाती मम्मी, तो गुलाब जामुन में भी लिक्विड होता है, उसका रस होता है, इसीलिए तो हम मम्मी के लिए बर्फ़ी ले आए थे, है ना, सूखी। तो अभी गाजर का हलवा बनाने की तैयारी करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मुझे गाजर छिलने होंगे हमें, और फिर कद्दूकस करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो फटाफट से अंदर से मैं गाजर लेके आ जाती हूँ, और बाकी जो है मैंने डिनर की तैयारी कर रखी है, अंदर चलते हैं। ये देखो यहाँ पे आंखों की मस्ती चल रही है, और मम्मी जी अभी को खिला रहे हैं यहाँ पे, और रात के खाने के लिए यहाँ पे मैंने आलू मटर बना रखे हैं कुकर में, और इधर दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है, और इधर आटा भी लगा रखा है। तो बस रोटी बनाएंगे, और रोटी बाद में बनाएंगे, पहले इससे पहले गाजर का हलवा बनाएंगे। हाय दोस्तों, दादी के साथ, हमने भाई के साथ, दादी के साथ कैच कैच खेल रही है। देखो कितना मस्ती चल रही है अपनी दादी के साथ। जीत गई। मम्मी और गुड्डी और अभी अंदर ही है, क्योंकि बाहर ना इस टाइम पे यहाँ पे ना हवा भी चलती रहती है, और अगेठी का जो है ना यहाँ पे, बस हम यहाँ पे बैठे तो आग सेक रहे हैं, और लेकिन वैसे हवा भी चल रही है तो अभी के लिए यहाँ पे ठीक नहीं है। तो इसलिए मम्मी ने अभी को अंदर ही रखा हुआ है, और जब सारा खाना बन जाता है ना तो यहाँ पे जो है अंगारे हो जाते हैं, तो उसके बाद ना मम्मी अभी को सिखाती हैं जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद, और फिर उसके बाद हम सीधा सुलाने के लिए लेके चले जाते हैं अभी को ऊपर। तो अभी मैं यहाँ पे गाजर वगैरह लेके आ गई हूँ, और ये 2 किलो गाजर ला रखे पति देव ने, मैंने कितनी मोटी मोटी लेके आए, अच्छे से छांट के। अरे यार गाजर ही नहीं मिल रहे थे कहीं, ये तो बड़ी मुश्किल से मिले। तो यहाँ पे हम फटाफट से ना, मैं ना 2 छिल्लड़ लेके आई हूँ, तो फटाफट गाजर को छिल लेते हैं, उसके बाद कद्दूकस करना है ना, उसके बाद बनाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्ते पन्ना। अभी ना मेरे मम्मी पापा ना सब्जी काट रहे हैं, और चाय गाजर गाजर का हलवा बनेगा। ये देखो मम्मी क्या काट रहे हो? हम काट रहे हैं, काट नहीं रहे हैं, छिल रहे हैं गाजर। छिल रहे बब्बू गाजर अभी। आज बनेगा गाजर का हलवा सबके लिए, है ना? कैसा लगता है? बनेगा कब? रात को? हाँ अभी बनाएंगे, अब रात को बनाएंगे। हाँ यहाँ पे आग लग रही थी अंदर, दादी और बड़ी दिखाते हैं, अंदर दिखाते हैं। ये देखो अंदर चाह चल रहा है, दादी चख दियो। ये देखो इसको, दानू दानू, चुप रहे बाबू, चुप रहे।
किससे बात कर रहा है? मैं दादा से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे दादी पापा ना अंदर है तो हम अंदर दिखाते हैं। पापा अंदर क्या कर रहे हो? अंदर क्या कर रहे हो? बब्बू का जुगनू। अच्छा ये देखो जुकाम लगा जुगनू और कहाँ से कैसे देख रहा है पापा को। तो हम बाहर चलते हैं। हाँ बाहर चल रही है मम्मी। क्या कर रही हो? मैं गाजर छिल रही हूँ। गाजर छिल रहे और यहाँ पे आग भी थोड़ी सी है। देखिए अभी जलाएंगे ना और। तो मम्मी कह रही है अभी और जलाएंगे। मम्मी इसमें क्या भर रखा है? ये ना मोटा सा रखा है। हाँ जी तो इसने ना बहुत सारा बना दिया। अरे माननी पड़ेगी इसकी बात है। हाथ दर्द हो गए मेरे। यहाँ हाथ दर्द ही होते हैं। गाजर का हलवा बनाने में सबसे ज्यादा यही लगता है, मतलब इसे पीसना सबसे टफ है। सीधा ऐसे प्रेशर में डाल के भी बना सकते हैं। हाँ, गाजर का हलवा बनाने के बहुत ज्यादा बहुत तरीके हैं। ज्यादा नहीं, हाँ, बहुत ज्यादा तरीके, बहुत सारे तरीके हैं। मेरे बोलने का मतलब ये था। और इन्हें कट करके भी उबाल के भी ऐसे भी बनाते हैं, पर कोई नहीं, हमें यही तरीका सही लगता तो इसी से बना लेते। तो दोस्तों अभी थोड़ी गाजर ना मैंने घिसी और थोड़ी सी रह गई, हाथ दर्द होने लग गया था मेरा, तो बस अब थोड़ी सी रह गई, मतलब दो गाजर रह गई हैं, तो ये घिसनी बाकी है। और इतनी देर में जो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पे, तो कढ़ाई गर्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें घी। तो इसमें घी भी लग जाएगी, तो उसमें है घी, तो ये डालेंगे हम अब कढ़ाई में। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में जो है ना घी डाल दिया है, और तब तक जो है ना ये जब तक घी अच्छे से गर्म होगा तब तक गाजर भी घिस जाएंगी ना पक्का। ये देखो क्या हुआ दादी को बोला छुपन छुपन खेल नहीं खेल रही है, गुगू को चुपर मारी है। अच्छा दादी आपके साथ नहीं खेल रही है? नहीं खेलेगी दादी, अभी अभी भाई को चुप करा रही है ना, वो रो रहा है इसीलिए। तो जैसे ही यहाँ पे घी घी गरम हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद इसमें गाजर डालेंगे और उसको अच्छे से फ्राई करेंगे, है ना। चलो सर। तो दोस्तों यहाँ पे घी भी अच्छे से गरम हो गया और सारी गाजर ना अच्छे से घिस भी गई है, तो अब डालते हैं। मुझे लग रहा है कढ़ाई में ज्यादा हो जाएगा। तो कढ़ाई ना हमारी छोटी पड़ गई और गाजर ज्यादा हो गए, है ना। हाँ, लेकिन ये कि थोड़ी देर में फ्राई करेंगे ना, अच्छे से भूनेंगे तो ये मतलब आ जाएगा कढ़ाई में। पानी छोड़ेगा ना थोड़ा तो इसमें कम हो जाएगा फिर ये। और कोई भी चीज गाँव में अपने पहाड़ों में है ना चूल्हे पे ही अच्छी लगती है ना। कोई भी चीज बनाओ तो चूल्हे पे बना के उसका स्वाद ही डबल हो जाता है। अब हमारा गैस भी बचेगा, गैस की भी बचत। हम ज्यादातर चूल्हे में ही बनाएंगे सर्दियों में खाना ना। हाँ, गैस की बचत भी हो जाएगी, आग भी सिक जाएगी। और गैस की बचत आग भी सेको और खाना भी टेस्टी टेस्टी बनता है। हाँ। तो दोस्तों अभी ना पतिदेव करेंगे गाजर को अच्छे से फ्राई और मैं चलती हूँ अंदर, क्योंकि अंदर ना अभी के रोने की आवाज आ रही है, तो थोड़ा सा दूध वगैरह पिला के उसके बाद फिर आती हूँ मैं। जब तक तो गाजर भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तब तक करता हूँ मैं इसको मस्त बना के फ्राई। फ्राई मतलब भून जाएंगे अच्छे से। यार ज्यादा हो गया ना गाजर ये। तो जब तक ना पतिदेव गाजर को अच्छे से भून लेते हैं तब तक मैं अंदर चलती हूँ, अभी रो रहा है तो उसे दूध पिला के फिर आती हूँ। तो दोस्तों अभी ना मैंने इसमें गाजर का जो है हलवा, इसमें पतिदेव ने गाजर को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें दूध और चीनी डाल दिए जो कि हमने दिखाया नहीं। और अभी यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कट हो रहे हैं और ये है मावा, तो मावा भी डालेंगे इसमें। और मैंने ना इतनी देर में अंदर रोटियाँ भी बना दी हैं और अभी भी ना बार बार रो रहा है, तो इसलिए बीच बीच में उसको देखने भी जाना है। अक्कू भी तो रो रही है फिर। और यहाँ पे अक्कू भी रो रही है कि सब उसी को प्यार कर रहे, मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है ना अक्कू। और धुआं भी बहुत ज्यादा हो रहा है तो आंखों में लग रहा है, एकदम आंसू निकल रहे हैं। यार कम कर बादाम खाओ, पन्नी का है इसे पहले सारा कुछ मिक्स कर रखा है, वो डालना पड़ा थोड़ा। क्या क्या बोलते हैं पता था
था थोड़ा सा तो अभी दोस्तों मैं इसमें डाल रही हूँ मावा और ये ड्राई फ्रूट्स कट किए हैं पतिदेव ने, तो ये भी डालेंगे इसमें। तो पहले मावा डाल देते हैं। तो अभी दोस्तों हमने इसमें डाल दिया है, मावा भी डाल दिया है और ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं। तो ये देखिए, तो बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट तो नहीं किया क्योंकि मावा ना अच्छे से, मतलब क्या हुआ इसे हम घिस सकते थे है ना, तब ज़्यादा अच्छा होता ना, चूरा चूरा सा हो जाता है। तो यहाँ थंबनेल के लिए ना बहुत कोशिश की जा रही है, यहाँ पे देखो। अरे उसके ऊपर पता क्या हो रहा है, धुआं आ जा रहा है ना, धुआं आ जा रहा है तो सही नहीं आता इसमें। तो थंबनेल पता नहीं कितनी बार ले लिया लेकिन अच्छे से आ नहीं पा रहा है। एक मिनट छोड़ियो, तो दोस्तों अभी गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है और हम अंदर ले आए हैं गाजर का हलवा और सब लोग ना बैठ गए हैं बिस्तरों के अंदर, ठंड लग गई सबको, रेडी हैं बस खाने के लिए। और आज तो अभी ऐसे कर रहा है, कभी सो रहा है कभी उठ रहा है, ये हमें बहुत परेशान करेगा रात को क्योंकि ये आज दिन भर सो रखा है। तो सबके लिए खाना लगा देती हूँ और फटाफट खाना खा लेते हैं है ना, और उसके बाद चलेंगे। आज बहुत टाइम हो गया सोने के लिए और आज टाइम हो गया लगभग 9:15 होने वाले हैं, सामने पे घड़ी लग रखी है। तो जल्दी से चल जाते, खाना खा के ना ऊपर चल जाते हैं क्योंकि इस टाइम पे हम सो भी जाते थे है ना। तो दोस्तों आज का डिनर हमारा रेडी हो गया है। तो आज के डिनर में है आलू मटर की सब्जी है और रोटी है और साथ में गाजर का हलवा है ना। तो बिल्कुल थाली तैयार हो गई है और सब तैयार भी हो गए खाने के लिए। तो चलिए तो खाना खा लेते हैं दोस्तों और फिर मिलते हैं आपसे।